हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को सावन महीने की पहली सोमवारी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, अभी हम आए हुए हैं अपने घर के पास में एक मंदिर है, जहाँ पर शिव भगवान का मंदिर है और शनि भगवान का भी मंदिर है, जो मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए, ये जो मंदिर है, शिव भगवान का मंदिर है और शनि भगवान का भी मंदिर है। और अभी यहाँ पर आए हैं, भाभी आए हैं और दीदी आए हैं, सारे लोग जो गए हैं वहाँ पूजा करने गए हैं। लेकिन आज मैं आप सभी को इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाऊंगा मेरे घर के पास में 3 किलोमीटर दूर जो है ना, संगम घाट जो है, जहाँ से सारे लोग जो है जल लेकर आते हैं। इस तरह से पहलेजा घाट पर जाते हैं, वहाँ से जल लेकर जो गरीब स्थान मंदिर में आते हैं वहाँ पर चढ़ाते हैं, उसी तरह से सारे लोग गांव के जितने भी है वो लाकर वहाँ से लाते हैं जल को, और अपने घर के पास में जो मंदिर है वहाँ पर चढ़ाते हैं। तो अभी चलते हैं वहाँ पर संगम घाट पर और आप सभी को चल कर दिखाते हैं वहाँ पर कितना भीड़ लगा हुआ है भक्तों का। तो बस आप सभी लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, मैं आज आप सभी को दिखाऊंगा कि कितने भक्त वहाँ पर अभी जो मौजूद है और स्नान करके जल को वहाँ से लेकर इस मंदिर में जो है चढ़ाते हैं, और घर के पास में जितने मंदिर है वहाँ पर चढ़ाते हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं चलता हूँ वहाँ पर और आप सभी को दिखाता हूँ। फाइनली दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं संगम घाट पुल पर, जहाँ पर सारे भक्त जो है यहाँ पर अपना सजावट बोले तो साउंड बॉक्स लेकर आए हुए हैं और बाहर में बजा रहे हैं। देखिए, मैं आप सबको दिखाता हूँ। तो देखिए, खांसी भी हो गया है और बहुत सारे भक्त जो है यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। तो चलिए, अब चलते हैं बाहर और आप सभी को दिखाते हैं कि कितने भक्त जो है यहाँ पर आए हुए हैं और किस तरह से जो है जलबोझी कर रहे हैं, जो मैं आपको यहीं से दिखा देता हूं। जो आप लोग देखिए, देखिए सारे भक्त जो है जलबोझी कर जल लेकर अपने घर के आसपास में जो भी मंदिर होंगे वहां पर वो चढ़ाएंगे और जो भी कामनाएं होगी मनोकामना वो मांगेंगे भगवान शंकर से। ऐसे तो खास करके सारी लड़कियाँ जो है वो अपना वर ढूंढेंगी, मांगेंगी, और जिनका शादी हो गया है वो शिकायत करेंगी कि मैंने क्या मांगा था भोलेनाथ और क्या आपने दे दिया, ऐसे ही मैंने मजाक किया है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। तो चलिए, अब चलकर मैं आप सभी को नज़दीक से दिखाता हूँ। और कुछ बाढ़ का प्रकोप भी है यहाँ पर, बाढ़ भी बहुत ज़्यादा आया है, सो मैं बाढ़ भी आप सभी को दिखाना चाहता हूँ कि कितना पानी यहाँ पर बढ़ चुका है। तो बस आप लोग बने रहिए, अब चलते हैं वहाँ पर और आप सभी को दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, कितने भक्त जो है साउंड बॉक्स बजा रहे हैं इधर में, और इधर में आप सभी को दिखाई देगा नीचे पानी, बाढ़ का प्रकोप जो है बहुत ज्यादा हो चुका है। अब नीचे चलते हैं उधर की तरफ और चलकर आप सभी को दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, कितना सारा यहाँ पर जो है दुकान लगा हुआ है सारे भक्तों के लिए, जो जो सामान जो है उसमें छोटा छोटा कलश होता है उसमें जल भर कर वह सारे लोग लेकर जाते हैं, और बहुत सारा दुकान यहाँ पर लगा हुआ है। मैं आपसे भी दिखाऊँ, देखिए कितना दुकान है सो यहाँ पर लगा हुआ है, बहुत सारा दुकान है यहाँ पर। अब चलते हैं हम नीचे और नीचे चलकर आप सबको दिखाते हैं कितना भीड़ वहाँ पर है। और दोस्तों, ऊपर में जो दिखाई दे रहा है रेलवे का पुल है, और रेलवे पुल है, और इधर में देख सकते हैं कितना सारा जंगल है, बहुत सारा जंगल है, और आसमान जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है और बारिश जो है थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो कोई बात नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं मेला, जहां पर सारे लोग जो है जल जो है भरते हैं और लेके जाते हैं, और देखिए कैसा यहाँ पर व्यवस्था है, सो मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ। सो देखिए, नीचे में सारे वक्त जो है वहाँ पर झंडा लगा हुआ है, वहाँ से अब नीचे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, देखिए यहाँ से नीचे ज़्यादा जाना नहीं चाहिए, पानी जो है बहुत ज़्यादा गहरा है। और साथ में सारे भक्त जो है वहाँ पर देख सकते हैं, एक जो है वहाँ पर दिखाते हैं आप सभी को, यहाँ पर देखिए यहाँ पूरा जो है माला पहने हुए हैं, और आसमान जो है देख सकते हैं कितना बादल छाया हुआ है, और बाढ़ का पानी जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गया है, देखिए
बाढ़ का पानी कितना बढ़ गया है देख सकते हैं। और अभी जो है बारिश का भी मौसम है बना हुआ, और यहाँ पर व्यवस्था उतना पहले से उतना खास नहीं है। तो पहले जो व्यवस्था था यहाँ पर घेरा बनाया हुआ था कि इसके आगे जो है नहीं जाना है, अगर जाते हैं तो दिक्कत भी हो सकता है, प्रॉब्लम भी हो सकता है। लेकिन आज उतना कोई है नहीं क्योंकि फर्स्ट सोमवार है, उतना व्यवस्था नहीं किया गया है। लेकिन फिर उनको यहाँ पर जो है कमेटी होंगे उनको यह करना चाहिए था। और बाढ़ का पानी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है बहुत, और देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है संगम घाट, संगम घाट यहाँ पर लिखा हुआ है, संगम घाट मेला भी लिखा हुआ है। तो यही आज मैं आप सभी को दिखाना चाहता था कि फर्स्ट सोमवारी में हमारे घर के पास में जो है संगम घाट, वहाँ पर कितना भीड़ लगा हुआ और कैसा मेला लगा हुआ है, वही मैं आप सभी को दिखाना चाहता था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप लोग कैसे चढ़ाते हैं अपने घर पे जल, कहाँ से लेकर आते हैं वो उस कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय।